हेलो गाइस, आई एम प्रवीण फ्रॉम टेक्निकल ट्यूटोरियल पॉइंट। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जो आज हमारा टॉपिक है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, जिसको हम बोलते हैं BSW थ्रेड। तो जिसका एंगल हमारे पास क्या है, 55 डिग्री। इसके अंदर मैंने जो पहला वीडियो बनाया था, इसमें मैंने ये बताया था आपको कि इसके अंदर हमने सिर्फ एंगल याद रखना है। एंगल कितना है इसका, 55 डिग्री। अब इस एंगल से हम BSW थ्रेड कैसे बनाएंगे, ये आप देखिए। पहले आप एक सेंटर लाइन ले लीजिए। सेंटर लाइन लेने के बाद अब आपको पता है कि आपके पास एंगल कितना है। एंगल है 55। कितना है? 55। 55 का अगर आप आधा करेंगे तो क्या बनेगा आपका, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10, 27.5 डिग्री। मतलब 27.5 डिग्री। तो आप 27.5 डिग्री लीजिए। पहले इसी लाइन से 27, देखिए 25, 26, 27 और ये हो गया आपका बेटा 27.5 पे आपने क्या कर लेना है बच्चे, ये 27.5 आपका आ गया। अब आप एक नीचे से उसके बाद आप फिर दोबारा सेंटर लाइन लीजिए। सेंटर लाइन लेने के बाद फिर दोबारा आप इस पर 27.5, 25, 26, 27, 27.5। आपने एक बार एंगल लेने के बाद आपने क्या करना है, ड्राफ्टर को ऐसे रखिए आप। इसको करने से पहले आप इसको ऊपर से आप एक बारी मार्किंग कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ये करने के बाद अब आपने वही इधर आप कीजिए, ठीक है। अब आपने ये कर लेना है, फिर दोबारा आपने वही ठीक है, इसी से आप इसी तरीके से इधर जाइए। एक बार ज़रूर आपको कष्ट लेना है एंगल बनाने का, उसके बाद आप अपने ड्राफ्टर का यूज़ कर सकते हैं एंगल बनाने के लिए। उसके बाद आप सेंटर लाइन ले लीजिए। ये आपके 55 डिग्री एंगल पे आपने थ्रेड बना ली हैं। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपके पास 0.16 आपके पास, देखिए अब इसके अंदर जो आपके पास इसके अंदर हाइट आ रही है, और आप हाइट देखेंगे लगभग आपके पास कितनी आ रही है, 45 हाइट आ रही है। कितनी आ रही है, 45। तो 45 क्योंकि जो आपका हाइट का 0.167 × h, तो 0.167 × हाइट, हाइट कितनी है आपकी, 45। तो आप 167 का आप 45 से जब करेंगे, 5 × 6 = 3, 5 × 5 = 3, 5 × 3 = 3, 3 × 3 = 8, 4 × 8 = 8, 2 × 2 = 24, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 8,
चार सत्तर अठाई का आठ हासिल दो, चार छिंक चौबीस और दो छब्बीस, छब्बीस छः हासिल बचा आपका दो, चार एकम चार दो छः, तो आपका पाँच आठ दस ग्यारह का एक हासिल एक, आठ नौ दस पाँच पंद्रह पाँच हासिल छः सात, तो लगभग आपके पास कितना आ गया, 7.5 के लगभग आपके पास आ गया। तो ये आपने 7.5 जो निकाला है तो आपका ये पाँच छः सात और ये 7.5 आपका ये, और इधर से भी आपका 7.5, देखो छः सात और ये 7.5। अब आपने दो लाइनें आपने ड्रॉ कर ले रही हैं, दोनों साइड ड्रॉ कर लिया आपने ये लाइन, आपने दोनों साइड ड्रॉ करके अब आपने अपनी कंपास का यूज़ करके इस टाइप से इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी आपने सेंट्रल लाइन ले लेनी है, जैसे आपने ये लेके जो आपने इधर से इसको नीचे और इधर से आपने इसको नीचे ले जाना है, और आपका ये इस तरीके से अब आपने बस इसके अंदर शेडिंग कर देनी है। आपने बस मेंशन कर देना है इसके ऊपर, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। बस अब आपने इस पर एंगल्स और पिच मेंशन करनी है, ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक दिस वन ये है 0.5 पी, हाफ हो गई आपकी पिच की, और ये आपकी फुल पिच है दिस वन आपकी फुल पिच है, ये आ गई आपकी पिच, दिस वन भी आपकी पिच है, ये आपके फिर हाफ पिच है 0.5 पी। अब आप एंगल मेंशन कर दीजिए, एंगल आपने कितना लिया है 55 डिग्री, यहाँ एंगल आपने कितना लिया है 55 डिग्री, ये आपका थ्रेड हो गया आपका BSW थ्रेड, फुल फॉर्म है इसकी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।